बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कुछ नए काम, कुछ पुराने काम और कुछ दुनिया कामों के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त मैं और आसिफ भाई जा रहे हैं बस्ती मुल्क, जो कि काम है। वो काम कौन सा है वो मेरे ख्याल में हर छोटा नहीं बल्कि जब वो बड़ा हो जाता है तो वो सब करते हैं और उन्हें करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो हम जा रहे हैं जी आईडी कार्ड बनवाने के लिए, जो कि पहले वाला आसिफ का एक्सपायर हो चुका है, तो अभी वो आने वाला है। उसके बाद फिर चलते हैं। ये देखें जी, वो सामने जो रिक्शा आ रहा है, तो ये वो सामान है जब मेरे भाई की शादी हुई थी उस वक्त से पड़ा हुआ है। तो अभी ये फाइनली आज लेके जा रहे हैं। गंजा शेर का गण का तेरी खैर। तकरीबन एक मंथ बाद ये सामान लेके जा रहे हैं। बस तुम लोग जाने से पहले एक छोटा सा काम बाकी है, वो है कि अभी मेन चौक चलते हैं और वहाँ से ना कुछ थोड़े से आम लेने हैं, तो वो ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। फिर तभी आसिफ भी मेरे पास आ चुका है और अभी हम रुके हैं इधर पेट्रोल वाली शॉप पे। तो यहाँ से हम ना पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि यहाँ की एवरेज बहुत ही अच्छी है। अभी हम बस्ती मुल्क पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं वापस क्योंकि ऑफिस बंद था, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। तो अभी चलते हैं और आसिफ का हेलमेट लेते हैं। तो अभी आ चुके हैं कि इधर हेलमेट वाली शॉप पे, तो यहाँ पर हेलमेट पड़े हैं, तो देखते हैं कि कौन सा पसंद आता है वही लेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी पड़ी हुई है, तो अभी देखना यह है कि कौन सा पसंद आता है। तो ये रेड देखा है आसिफ भाई। हाँ जी आसिफ भाई, पसंद है आसिफ भाई को मेरे ख्याल में ये ब्लैक पसंद आया, तो यही लेते हैं क्योंकि इसके प्राइस भी बहुत कम है, नॉर्मल प्राइस है। तो तकरीबन ये 1100-1200 बता रहे हैं, तो फाइनली जो हमने किया है जी वो 900 रुपये में फिर रेट फिक्स किया है। तो अभी आसिफ भाई इसको पहन के चेक करता है। पहले इसको मैंने पहन के ट्राई किया है और मुझे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगा है क्योंकि ये अंदर से ना बिल्कुल ही फिट है। तो आसिफ भाई को भी फिट चाहिए, वैसे देखने में तो ज़बरदस्त लग रहा है यार, मेरे ख्याल में ये ले ही लेना चाहिए। तो फाइनली जी हमने ये हेलमेट ले लिया है, तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं। लग रहा है हल्की में सही है। ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त। हम बस्ती मुल्क से वापस आ चुके हैं, तो जल्ला मोड़ थोड़ा सा आ गया है, तो हम रुके हैं पीछे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो अभी पानी पीते हैं। इधर ये है जी सेटअप, तो अभी भेज दिया उधर सामने, तो अभी जैसे वापस आता तो फिर बनवाते हैं। तभी मैं और आसिफ भाई आ चुके हैं जी इधर बाग में, जहाँ से हमने आम लिए थे। और उसके अलावा मैंने आपसे हार्वेस्टिंग का तरीका भी शेयर किया था, वो दोनों वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं आम लेते हैं। पाल लगे रहे, ये पाल है अच्छा। अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ, रात से भाई को लेके आ गया जिधर बिरयानी खाने के लिए जवाद भाई के पास, तो वो बैठा हुआ है सामने।
तो अभी मैं आ चुका हूँ जी घर वापस। तो यहाँ पर डोरेमोन को भूख लगी हुई थी, तो अभी मैं इसको दूध पिला रहा हूँ कि स्पेशली खिदमत कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी माँ का दूध बहुत कम है, तो इसके लिए हम स्पेशली जो है ना वो भैंस का दूध लेके रख देते हैं। तो अभी डोरेमोन ने दूध पी लिया है और अब बारी है जी बंटू की। तो बंटू आ गया दूध पीने के लिए, कैसे मज़े से पी रहे हैं माशाल्लाह। तभी जा रहा था मामू के घर क्योंकि अम्मी गई थी उधर, तो उसको लेने के लिए जा रहा था। तो इतनी देर में ना भाई की कॉल आ गई है कि मैं गया हूँ तो मैं लेके आऊँगा। तो इतनी देर में ना मैं पेट्रोल दिलवा के अभी वापस आ चुका हूँ। तो अपनी आज इस छोटी सी खूबसूरत सी वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी दुआओं में याद रखेगा, तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।